इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाता गंगा घाट रेलवे स्टेशन। शुक्लागंज गंगा घाट रेलवे स्टेशन पर बरसों से यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है। आने जाने वाली यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गंगा घाट रेलवे स्टेशन पर स्टेशन के दोनों छोर पर झाड़ियों तथा बबूल के पेड़ लगे हुए हैं और स्टेशन परिसर में भी घास झाड़ियां उगी हैं, लेकिन डीआरएम अन्य अधिकारियों द्वारा कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। जबकि गंगा घाट रेलवे स्टेशन पर काफी यात्रियों का आवागमन होता है। वर्षों से हैंडपंप जंग रखा है, लैट्रिन में ताले लगे हुए हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है और यात्रियों को अपना जान जोखिम में डालकर पटरी पार यात्रा करने को मजबूर है। गंगा घाट रेलवे स्टेशन पर अभी तक ओवरब्रिज का भी निर्माण नहीं कराया गया है, जिसकी वजह से अनेकों हादसे होते रहते हैं और गंगा घाट रेलवे स्टेशन पर उगी झाड़ियां बबूल के पेड़ की वजह से रात में यात्रियों को जान माल का भी खतरा रहता है। लेकिन रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसका खामियाजा आने वाले यात्रियों को भुगतान करना पड़ता है। जबकि अनेकों बार डीआरएम द्वारा गंगा घाट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया है। इंडियन टीवी न्यूज, बबलू सविता डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, शुक्लागंज, उन्नाव। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।